हेलो गाइस, मैं आप देख रहे हैं मोटो फील। और आज अपन देखने वाले हैं भाई मारुति सुजुकी अल्टो K10 का एक और कंपैरिजन। इससे पहले ही बहुत सारे वीडियो बनाए तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो भाई आज अपन देखने वाले हैं अल्टो K10 का VXI प्लस, जो कि ऑन रोड कॉस्ट करता है डेली 5.94 लाख रुपीज़। और इसको अपन जो डायरेक्ट कंपेयर करने वाले मारुति सुजुकी इग्निस सिग्मा वेरिएंट से, जो कि कॉस्ट करता है 5.96 लाख ऑन रोड डेली। तो भाई देखो, यहाँ पे आप देखिए गाड़ियों का कंपैरिजन नहीं है ये, भाई प्राइसिंग का कंपैरिजन है। आप जो है कितना पैसा पे कर रहे हैं और उसमें आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पे जो प्राइसिंग है इसमें मात्र जो है 2000 रुपये का डिफरेंस जो है आपको ऑन रोड देखने को मिलता है। प्राइसिंग देखो भाई थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है डीलरशिप टू डीलरशिप, स्टेट टू स्टेट, तो वो आप सब जो है चेकआउट कर लीजिएगा। अब अपन चलते हैं सीधे कंपैरिजन में। सबसे पहले देखने वाले इंजन, तो आपको जो अल्टो K10 में मिल जाता है 998 cc का 3 सिलेंडर इंजन, यानी 1 लीटर का इंजन। और इसमें आपको जो है पावर फिगर्स देखने को मिलते हैं 66 bhp, 89 Nm का टॉर्क। और इसमें जो आपको ARI क्लेम माइलेज मिलता है 24.39 kmpl का, जो कि बहुत ही ज़्यादा है और इसी के लिए फेमस है ये गाड़ी। और इसमें अगर आप ट्रांसमिशन की बात करें तो भाई 5 स्पीड का आपको जो है मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर अपन इसको कंपेयर करें सुजुकी इग्निस से, तो यहां पे आपको मिलता है 1197 cc का 4 सिलेंडर इंजन, 1.2 लीटर का मतलब इंजन आपको देखने को मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 82 bhp, 113 Nm का टॉर्क। और इसमें आपको जो है ARI क्लेम माइलेज 20.8 kmpl का देखने को मिल जाता है। और इसमें भी आपको जो है 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जो फ्रंट टू ड्राइव इफेक्ट है ना, वो आपको जो है इग्निस में मिलेगा ऑब्वियसली। और इसको जो है भाई क्या पता अर्बन कॉम्पैक्ट SUV क्या क्या इसको कहते हैं, तो भाई कोई SUV नहीं है, तो आप किसी भी तरह से इसको SUV नहीं माने। लेकिन इंजन साइजेस आपको बेटर मिलते हैं, पावर फिगर्स आपको बेटर मिलते हैं, लेकिन माइलेज में आपको जो है 5 से 6 का जो है ड्रॉप आउट देखने को मिलेगा रियल लाइफ में। तो ये आपको जो है अपने हिसाब से देखना है कि आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद बात करते हैं भाई डायमेंशंस की, क्योंकि डायमेंशंस में जो है यहां पर डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो लेंथ मिलती है आपको अल्टो K10 में 3530 mm की, और इग्निस में आपको मिलती है 3700 mm की। तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस आपको जो है लेंथ में देखने को मिल जाते हैं। विड्थ की बात करें तो भाई 1490 mm की आपको अल्टो K10 में मिलेगी, 1690 mm का आपको जो है इग्निस में मिलेगी। मतलब विड्थ में भी आपको जो है अच्छा खासा डिफरेंसेस देखने को मिल जाता है। हाइट की बात करें तो भाई 1520 mm की आपको अल्टो K10 में मिलेगी और 1595 mm की आपको इग्निस में मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ आपको जो है बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा आपको जो है इग्निस में देखने को मिल जाएगी। व्हील बेस की बात करें तो भाई 2380 mm की अल्टो K10 में मिलेगी और 2435 mm की आपको जो है इग्निस में मिलेगी। तो यहाँ पे भी आपको जो है लेगरूम बेटर जो है इग्निस में मिलेगा, क्योंकि व्हील बेस ज़्यादा होता है तो आपको जो है लेगरूम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलता है। और इसमें जो आपको लेंथ भी बहुत अच्छी है, तो आपको जो बेटर लेगरूम, हेडरूम, सभी तरीके से स्पेसिंग में आपको जो है इग्निस बेटर मिलने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो भाई अल्टो K10 में 160 mm की आपको जो है ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है, और इग्निस में आपको जो है 180 mm की जो है ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी सही है। अगर आप जो है सेगमेंट वाइज देखते हैं तो बहुत अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस आपको जो है इग्निस में देखने को मिल जाती है। बूट स्पेस की बात करें तो भाई 214 लीटर्स का अल्टो K10 मिलेगा, 260 लीटर्स का आपको जो है इग्निस मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों में देखिए बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इग्निस में बेटर आपको जो है बूट स्पेस देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो भाई 27 लीटर्स का अल्टो K10 मिलेगा और 32 लीटर्स का जो है आपको इग्निस में देखने को मिलेगा। तो भाई किसी भी तरीके से आप जो है कैपेसिटी में कंपेयर करेंगे, क्योंकि इग्निस जो है इससे ऊपर की गाड़ियों को जो है कम्पीट करती है, तो यहाँ पर आपको जो है बेटर स्पेसिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसको जो है ऊपर की गाड़ियों से भी कम्पीट करना है, तो उस प्रकार से इसको डिज़ाइन करा गया है। अब बात करते हैं ब्रेकिंग की, दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट में डिस्क मिलेंगे, रियर ड्रम मिलेंगे, और जो उसकी टर्निंग रेडियस है आपको जो अल्टो K10 में 4.5 मीटर मिलेगी और सुजुकी इग्निस में आपको जो है 4.7 मीटर इसकी मिलेगी। तो टर्निंग रेडियस में आपको जो है दोनों ही गाड़ी बड़े आराम से जो है टर्न हो जाएगी। स्टीयरिंग आपको ऑब्वियसली पावर स्टीयरिंग देखने को मिलेगा। व्हील्स की बात करें तो भाई स्टील रिम्स जो है दोनों ही गाड़ी में ऑफर करे जाते हैं, भले ही अल्टो K10 जो है टॉप एंड वेरियंट है अगर आप जो मैनुअल में देखें, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो आपको अलॉय व्हील्स एसेसरीज में मिलते हैं। उसके बाद बात करें टायर्स की, तो आपको 145/80R13 का जो है अल्टो K10 मिलेगा, मतलब 13 इंचेस के आपको जो है व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी छोटे हैं कंपेयर टू द सेगमेंट। और उसके बाद बात करें भाई मारुति सुजुकी इग्निस की, इसमें आपको जो 175/65R15 यानी 15 इंचेस के आपको जो है स्टील रिम्स देखने को मिलते हैं, और आपको जो है विड्थ भी बेटर मिलती है और ग्राउंड क्लियरेंस भी बेटर मिलती है। तो हर तरीके से अगर आप जो है थोड़ा सा
खराब रास्तों के लिए चाहते हैं तो भाई इग्निस आपको जो है बेटर पड़ने वाली है। सेफ्टी की बात करें तो भाई इसमें आपको दोनों ही गाड़ियों में 80 की स्पीड में एक अलार्म मिल जाएगा और एक कंटिन्यूस अलार्म आपको जो है 120 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। एयरबैग्स की बात करें भाई दोनों ही गाड़ियों में आपको जो है दो एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट सिर्फ आपको जो है इग्निस में मिलेगा, अल्टो K10 में मिसिंग है। सीट बेल्ट वार्निंग जो है दोनों ही गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो भाई अल्टो K10 में आपको जो है ABS और EBD मिलता है, लेकिन इग्निस में आपको जो है बेस वेरिएंट सी ABS EBD और BA एक्स्ट्रा एक आपको जो है ब्रेक असिस्ट देखने को मिल जाता है। लॉक इन सिक्योरिटी की बात करें तो भाई दोनों ही गाड़ियों में इंजन नेबुलाइजर, सेंटर लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स मिल जाते हैं, लेकिन अल्टो K10 में आपको जो है कीलेस मिल जाएगा और जो इग्निस में आपको जो है की के साथ यूज़ करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, अदरवाइज सारे जो है आपको लॉकिंग से लेके सारी चीज़ें मिल जाती है। एयर कंडीशनर की बात करें भाई इंटीरियर में तो दोनों ही गाड़ियों में आपको जो मैनुअल सिंगल जोन एसी देखने को मिलेगा, दोनों ही एसी जो है हीटर के केपेबल है। और उसके बाद जो है कैबिन के बूट लाइट का जो एक्सेस है आपको सिर्फ जो सिर्फ इग्निस में मिलेगा, मतलब जो है आपको अल्टो K10 में मिसिंग रहेगा। उसके बाद जो है हेडलाइटर्स और इग्निशन रिमाइंडर जो है दोनों गाड़ियों में मिल जाएंगे। पार्किंग सेंसर जो है दोनों गाड़ियों में मिल जाएंगे। स्टीयरिंग एडजस्टेबल जो है आपको सिर्फ इग्निस में मिलेगा, वो भी सिर्फ टिल्ट मिलेगा, मतलब टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। लेकिन अल्टो K10 में आपको जो है किसी भी प्रकार का स्टीयरिंग एडजस्टेबल नहीं मिलेगा। तो आपकी जो है भाई थोड़ी हाइट वाइट ज़्यादा है, आपको जो है थोड़ा सा एडजस्ट करके ड्राइव करने की आदत है, तो स्टीयरिंग आप जो है एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट की बात करो तो भाई दोनों ही गाड़ियों में सिंगल मिल जाता है। सीट्स की बात करूँ तो देखो आपको अल्टो K10 में 4 वे एडजस्टेबल मिलेगा और जो आपको इग्निस है इसमें आपको जो 6 वे एडजस्टेबल मिल जाएगा। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है आप इसमें सेट कर सकते हैं इग्निस में, स्टीयरिंग भी और सीट्स भी। ORVMs की बात करें तो भाई अल्टो K10 में आपको जो है ब्लैक ORVMs ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इग्निस में आपको जो है बेस वेरिएंट सी बॉडी कलर ORVMs ऑफर करे जाते हैं। पावर विंडोज़ की बात करूँ तो भाई दोनों ही गाड़ियों में सिर्फ फ्रंट में पावर विंडोज़ आती हैं, रियर में आपको नहीं देखने को मिलती, लेकिन इग्निस में आपको जो है ड्राइवर साइड है वन टच डाउन जो है देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है। तो ये आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती है। ORVM के एडजस्टेबल की बात करूँ तो भाई इंटरनली एडजस्ट होते हैं अल्टो K10 में, लेकिन इग्निस में आपको जो है बाहर से करने पड़ेंगे, मतलब आप जो है इंटरनली भी इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको जो है अल्टो K10 में देखने को मिल जाती है। रूफ माउंटेड एंटेना दोनों ही गाड़ियों में मिल जाएंगे। लाइट्स की बात करूँ तो भाई दोनों ही गाड़ी में आपको जो हैलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे, हैलोजन टेल लैम्प्स देखने को मिलेंगे, केबिन लैम्प्स भी जो है दोनों ही गाड़ी में फ्रंट में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो हेडलाइट एडजस्टर है वो आपको जो है सिर्फ इग्निस में देखने को मिलेगा। अल्टो K10 में आप जो हेडलाइट को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको जो है इसमें मिसिंग मिलेगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करो तो भाई अल्टो K10 में आपको जो है डिजिटली देखने को मिलने वाला है, जो एस्प्रेसो में आता था ना वही वाला जो है अब आपको वहाँ पर माउंट कर दिया गया है जहाँ पर स्टीयरिंग है, और जो इग्निस है यहाँ पर आपको जो है एनालॉग देखने को मिलेगा। लेकिन इससे आई थिंक बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं पड़ेगा, बस एक जो एवरेज स्पीड वाला फंक्शन है मीटर में वो आपको एक्स्ट्रा जो अल्टो K10 में देखने को मिलेगा। अदरवाइज लो फ्यूर वार्निंग, एयर इंडिकेटर, सारी चीज़ें आपको जो है दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिल जाएगी। इन्फोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो भाई देखो सिर्फ आपको जो अल्टो K10 में इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है, क्योंकि इग्निस में आता ही नहीं है बेस वेरिएंट में, तो ये तो आपको जो है आफ्टर मार्केट या शोरूम से जो आपको लगाना पड़ेगा एज एसेसरीज। अदरवाइज अल्टो K10 की बात करें तो इसमें आपको जो एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले केपेबल और टच स्क्रीन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉइस कमांड्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बकवास हैं, GPS नेविगेशन आपको मिल जाता है, ब्लूटूथ कैपेबिलिटी मिल जाते हैं, ऑक्स कैपेबिलिटी मिल जाती है, FM रेडी, USB कैपेबिलिटी जैसे सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भाई कोई ऐसी भारी दिक्कत जो है आपको नहीं होने वाली, सारी चीज़ें जो है अल्टो K10 में ऑफर करी गई है। इन्फोटेनमेंट में स्पेशली आपको जो है 4 स्पीकर्स भी इन्हें दे दिए हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इग्निस में आपको जो है किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि थोड़े बहुत जो पैसे आपको एक्स्ट्रा है एसेसरीज़ में खर्च करने पड़ सकते हैं। वारंटीज़ की बात करूँ तो भाई दोनों ही गाड़ी में आपको जो है 2-2 साल की वारंटीज़ मिलेगी और 40,000-40,000 किलोमीटर की जो है वारंटीज़ मिलेगी। लेकिन मारुति है भाई, इतनी जल्दी आपको परेशान नहीं करने वाली, तो होप आपको जो है बहुत ज़्यादा वारंटीज़ की यूज़ ना करना पड़े, क्योंकि जो है मैक्सिमम अभी तक जितने कस्टमर्स मैंने रिव्यू भी किए उसमें किसी ने भी जो है ये वारंटीज़ जो है क्लेम नहीं करी। कोई ऐसा मेजर फेलियर जो है गाड़ी में नहीं आता मारुति में। अब बात करते हैं भाई कलर्स की, तो देखो अल्टो K10 में आपको ग्रेनाइट ग्रे मिल जाता है, स्पीडी ब्लू मिल जाता है, अर्थ गोल्ड मिल जाता है, सिजलिंग रेड मिल जाता है, सिल्की सिल्वर मिल जाएगा और सॉलिड वाइट मिल जाएगा।
तो आगे जो भी नाम लिखा है वो हटा दो, जो पीछे लिखा है उससे आपको जो है जज करना है कौन सा कलर है। उसके बाद जो इग्निस है इसमें आपको जो नेक्सा ब्लू, सिल्की सिल्वर और पर्ल आर्कटिक वाइट जो है तीन कलर्स आपको जो ऑफर करे गए। नाम पता नहीं क्यों इतने कठिन रख देते हैं, अदरवाइज आपको जो है सिंपल तरीके से ब्लू, ग्रे और वाइट टाइप के कलर्स ऑफर करे जाते हैं। तो ओवरऑल अगर आप गाड़ी की बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की किस रीज़न से आपको किसको लेना चाहिए, तो अगर आप जो है वेट करते हैं भाई थोड़ा बहुत आपके पास बाद में पैसे वैसे जमा करके आप सिस्टम वगैरह लगा सकते हैं, तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपको एक्स्ट्रा इग्निस में मिल जाती हैं। जैसे आपको स्टीयरिंग एडजस्टेबल मिल जाएगा, ब्रेकिंग में बीए मिल जाएगी, बेटर इंजन आपको मिलेगा, बेटर ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगी, हर तरीके से आपको जो एक बेटर गाड़ी मिल जाएगी। और अगर आप जो है अल्टो K10 को चूज़ करना चाहते हैं तो भाई माइलेज आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और आपको जो है स्पेस सेविंग करना है तो भाई देखो अल्टो K10 ये दो चीज़ आपको हमेशा के लिए करके देगी, कभी आपको जो है परेशान नहीं करने वाली, इतना तगड़ा माइलेज आपको लॉन्ग टर्म में देगी। लेकिन इग्निस में आपको जो है बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, बेटर ड्राइविंग डायनेमिक्स मिलेंगे, बेटर स्पेस मिलेगा, बेटर ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। बस कॉम्प्रोमाइजेस जो होंगे आपके, मेनली मेरे को जो लग रहा है वो आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम और माइलेज में, तो ये दो चीज़ों को अगर आप जो हैंडल कर सकते हैं और बाद में जो है इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करके सिस्टम लगा सकते हैं तो इग्निस जो है मेरे हिसाब से पिक रहेगी। अदरवाइज़ अल्टो K10 भी जो है थोड़ी सी मेरे को इस बार एक्सपेंसिव लग रही है, अदरवाइज़ जो एक लॉन्ग टर्म का प्रोडक्ट ये बन जाता है। तो यही था गाइस एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, होप आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।